नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं। बड़वानी जिला मुख्यालय पर भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता के द्वारा आज कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल और भाजपा जिलाध्यक्ष ओम सोनी द्वारा संयुक्त प्रेस वार्ता के द्वारा जिले के बड़वानी, अंजर, सेंधवा, पानसीमल, खेतिया में अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी है। यहां प्रत्याशी भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर चुनाव चिन्ह पर प्रत्याशी घोषित किए, जहाँ दूसरी ओर कांग्रेसी अभी तक सूची जारी नहीं है। संभावित कल तक सूची जारी होगी। बड़वानी से शकील मंसूरी के साथ संजय बामनिया की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ने आज 2 नगर पालिका और 5 नगर पंचायत के जो चुनाव होने वाले बड़वानी जिले में 7 स्थानों के आज उम्मीदवारों की घोषणा की है। कुछ स्थानों पर हमने एक एक दो दो वार्ड अभी होल्ड पर रखे हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी बड़वानी जिले के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सम्माननीय प्रेम सिंह जी पटेल साहब, बड़वानी के मंडल अध्यक्ष श्री कृष्णा गोले जी, हमारे जिले के वरिष्ठ नेता सम्मान्य सुभाष जोशी जी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे साथ में है। आज हमने सेंधवा के 23 नाम और बड़वानी के 23 नाम, खेतिया के 15 और पानसेमल के 15, अंजड़ के 14 और फलसूद के भी 13 नाम आज हमने घोषित किए हैं। शेष नाम के भी हम दोपहर तक सहमति करके घोषित कर देंगे। आपके नगर से तो राजपुर की सूची जारी करी आपने? राजपुर की सूची भी थोड़ी सी देर में जारी होने वाली है, टाइप करा देंगे। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा जी के नेतृत्व में और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हम ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारा बहुत सीधा और साफ कहना है कि जहां दिल्ली में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नगर की सरकारें भी भारतीय जनता पार्टी के पास होना चाहिए। एक ही पाइपलाइन, एक ही कंपनी की पाइपलाइन रहेगी तो निश्चित रूप से विकास ठीक होगा और विकास की गति को और तेजी से लेकर जाना है। जहाँ जहाँ नगर पालिका और नगर पंचायत भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, हम सब लोगों को मिलकर कांग्रेस से छीनना है। गरीबों की सेवा, अंतिम व्यक्ति की सेवा करने का उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी का है। गरीबों की सेवा करने के लिए हमारे सारे पार्षद चुनाव लड़ रहे हैं। सूची जारी हुई है, बगावत तो होगी, उसके लिए कोई भारतीय जनता पार्टी कोई बगावत नहीं होती भैया। नहीं, सूची जारी तो निश्चित है, उठा पटक नाम आपसे लिए कोई उठा पटक नाम नहीं है, आगर की वोट कमेटी नहीं किया है। सब मिल बैठकर इन सारी चीजों का विचार विमर्श। नहीं, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।